दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका और आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में 29 नवंबर के पहले चुनाव संपन्न करा लिया जाना है। चुनाव आयोग ने ऐसा निर्देश जारी किया। चुनाव कराए जाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर तरह का व्यवस्था भी कर रही है। सीट शेयरिंग का भी मामला चल रहा है। सबसे ज्यादा उठा पटक महागठबंधन नहीं एनडीए में है, क्योंकि एनडीए के जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कह दिया कि हमारे गठबंधन के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी है, मैं चिराग पासवान को नहीं जानता, उन्हें जहां जाना है वहां चले जाएं। 143 सीट चिन्हित किया और चिराग पासवान 143 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारने का मन बनाया, लेकिन ऐसे सीट पर जहां से जदयू चुनाव लड़ेगी। एनडीए में खटपट है, यह स्पष्ट हो चुका है। वर्चुअल रैली के माध्यम से लुभावने वादे नीतीश कुमार कर रहे हैं। 15 साल के कार्यकाल में 60 से अधिक घोटाले हुए, बलात्कार की लड़ी लग गई, हत्याएं होती रही, विधायकों के द्वारा कई अनर्गल कार्य किए गए। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ, भागलपुर में सृजन घोटाला हुआ। अब जब विधायक क्षेत्र जाते हैं जदयू के, तो उन्हें वहां की जनता गांव में घुसने नहीं देती, रपेट कर बाहर कर देती है और खड़ी खोटी सुनाती है। जनता कहती है कि आप इतने साल थे कहां, बाढ़ के विभीषिका से हमने जूझा, कोरोना के चपेट में आने के कारण कमर टूट गई, आपने देखने नहीं आया, तो अब आप क्यों आए हैं। मैं आपको बताऊं कि वर्चुअल रैली नीतीश कुमार ने 7 तारीख को किया था। सबसे अधिक डिसलाइक लोगों ने सोशल मीडिया में इस नीतीश कुमार के कार्यक्रम को किया। डिसलाइक किए जाने से ऐसा प्रतीत होने लगा है कि युवा वर्ग और सोशल मीडिया पर जितने लोग हैं वो अब नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते। यह मैं नहीं कहता, यह अन्य चैनलों में भी, टीवी चैनलों में भी आ चुका है, चल चुका है। नीतीश कुमार का विकास पुरुष का ग्राफ गिर चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार के शासन काल में रोजगार का अभाव हुआ, तानाशाही पुलिस की हुई, अफसरों की तानाशाही हुई, नेता ने जनता का सुध नहीं लिया। इन सारे मामले को देखते हुए बिहार में अब स्पष्ट हो चुका है कि तेजस्वी यादव युवा हैं और तेजस्वी यादव का रास्ता साफ होता दिख रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बननी बिहार में अब तय है। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों का झुकाव है और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है टिकट के लिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र के सर्वे के बाद, क्षेत्र के जनता को नब्ज टटोलने के बाद लोगों को टिकट दी जाएगी। परंपरागत सीट समझने वाला यह न समझे कि मुझे ही सीट मिलेगी, देखकर समझकर बुझकर जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने हर जात धर्म के लोगों को मौका देने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि अभी ही रजिस्ट्रेशन करा लें, मेरी सरकार बनेगी तो मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे से पीछे भाग रही है वर्तमान सरकार, और बेरोजगारी के मुद्दे को तेजस्वी यादव ने उठाना उचित समझा। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पढ़े लिखे छात्र घर बैठे हुए हैं, उन्हें रोजगार चाहिए, मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं, बेरोजगार युवक और आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। ऐसी स्थिति में बेरोजगारों के लिए
उम्मीद के किरण लेकर आया तेजस्वी यादव ने, और जिस प्रकार नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लोगों ने डिसलाइक किया और तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को लोग पसंद करते हैं और तेजस्वी यादव के प्रति लोगों की उम्मीद बनी है, ऐसा लगने लगा है कि अब की बार तेजस्वी की सरकार बननी तय है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस विषय में, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।